students are coming tonight. Ready, please. Fill in the blanks. So, how was the day? So today's topic is effective teaching, which is of utmost concern. So आज का session we will do हम हिंदी में ज़्यादा करेंगे, ठीक है? So that for ज़्यादा understanding आएगा. So effective teaching. Now before that, I hope you must have done the same exercise that we had done last time. Yesterday what we have done? Review. यहाँ आने वाला. To become over here, to be here in this hall. सारी अपनी चीजें जो बाहर की हैं उनको बाहर छोड़ के be physically, mentally, in a whole, completely, holistically here. कोई और ये दो तीन लोग आने मुझे तो और बुला holistically here. Are you ready? Are you here? Yes, sir. All? चलिए बात करते हैं टीचिंग. नाउ जो कि हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का है आज टुडे इस टाइम. नाउ टीचिंग क्या है, टीचर कौन है, व्हाई इट इज बिकम वेरी रिलेवेंट फॉर टुडेस टाइम इज एवरीबॉडी नोज. ये हर समय का एक 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 मुद्दा रहा है कि टीचिंग कैसी हो, टीचर क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टीचर की. आप सभी को पता है हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे टीचर को भगवान के बाद औहदा दिया गया है. आर यू इज करेक्ट? गुरु को माना गया है माता पिता से भी ऊपर, सभी लोग जानते हैं. और हमारे चार युग हैं, आप सबको पता है क्या क्या है युग, क्या क्या युग है? सतयुग से लेके आज कलयुग तक कई ऐसी कहानियां हैं जो गुरु और शिष्य से रिलेटेड हैं. अगर हम त्रेता युग की बात करते हैं तो रामचंद्र जी का आता है, उन्होंने शिक्षा ली थी और शिक्षा लेके किस तरह का मुकाम हासिल किया था वो हम सबको पता है. सिमिलरली द्वापर युग में हमें पता है, द्वापर युग में अर्जुन की बात करते हैं, अर्जुन जिन्होंने शिक्षा ली, तालीम ली और क्या मुकाम हासिल किया गुरु से भी, मतलब ऊपर आगे बढ़ने की उन्होंने और उनकी काबिलियत हो गई थी. तो ये होते होते आज कलयुग में भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि गुरु को हमेशा एक ऊपर दर्जे में रखती है. बिल्कुल सीरियसली इस पे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, आज सोचेंगे इस बारे में क्या व्हाट वाज द रीजन कि आज की हमारी जो स्टेज है हम लोग यहाँ पहुंचे. द्वापर युग में भी और कलयुग में भी आज की डेट में भी पीछे हम इतिहास में जाए अगर तो कई ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी स्टूडेंट्स के, अपने बच्चों के दिमाग में. तो क्या रहा कि आज इस स्टेज पे गुरु अपना वो मुकाम हासिल करने में नाकामयाब हो गया जो उसका था, जो उसका था, जो जिस गुरु की वजह से, जिस गुरु के एक कॉल से, एक वर्ड से शिष्य अपनी जान देने को तैयार होता था, वो आज हमने किस मुकाम पर पहुंच गए कि हमारी बात भी सुनने को तैयार नहीं होता है शिष्य आज के लिए. है बात एक कंसर्न, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है हमें कमियां हो,
कमियां तो स्टूडेंट में तो नहीं है, कभी हम भी स्टूडेंट रहे, हम भी कभी सीखते थे, आप भी कभी सीखते थे, हर पीढ़ी कभी कभी सीखती थी, कभी शिष्य रही है, कभी गुरु, अब गुरु है ऐसा। तो क्या ऐसी चीजें रही, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे जिससे कि एक गुरु आज के दौर में वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहा है जो रियली में उसको करना चाहिए था, है ऐसा, मैटर ऑफ कंसर्न है। तो वो सोचते हैं आज हम कि क्या क्वालिटीज एक गुरु में होने चाहिए। टीचिंग आप अपने सब्जेक्ट में आप माहिर हैं, कोई मना नहीं कर रहा। आई विल नॉट डिस्कस हियर कि आपके सब्जेक्ट में आप कैसे प्रिपरेशन करें पढ़ाने के, यू आर जीनियस इन योर सब्जेक्ट, बट क्या क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि आपको वो दर्जा नहीं मिल पा रहा है कि जिससे कि आप जिसके हकदार हैं, जो आपको मिलना चाहिए। तो क्या चीजें हैं उसमें, मैंने जो कुछ दो चार चीजें रखी है, तो गुड टीचर, गुड टीचर क्या उसकी क्वालिटीज हो, क्या उसको होना चाहिए, कैसा वो बिहेव करना चाहिए, सो दैट ऑल वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। एट द एंड अगेन वी विल हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन, फील फ्री फॉर दैट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, बिल्कुल फ्रीली आप बात करते हो। तो सबसे पहले जो हमारा, मेरा जो अपना मानना था, जो मेरा अपना चिंतन था, उसके अकॉर्डिंग टू जो मैंने समझा, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर, ये बहुत बजवर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, देखिए आप, दीज आर कॉल्ड बजवर्ड, सोशियबल, केयरिंग, काइंड, सपोर्टिंग, ह्यूमरस, सो मेनी थिंग्स, ठीक है। बट इसमें एक एक करके अगर इसको लें तो सबसे पहले आता है बिहेवियर, ओके, एटीट्यूड, बिहेवियर। What is behavior? देखिए करके बताइए। We'll discuss this. What is behavior? Pull it. The way to express yourself towards others. Any other? Expression and reaction. Action and reaction. Reaction is not behavior. Not exactly the reaction. In what manner we are communicating our views to the others, and in what manner we are accepting the views of the other person. That is frankly behavior, sir. हाँ, ये क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, ये कुछ ऐसे philosophical चीजें हैं जिसकी एक definition नहीं होती, आप जानते हैं। There are many rules. In my opinion, behavior को अगर थोड़ा छोटा करें, तो we have, okay? ये दिस इज कंपोजिट ऑफ, दिस कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज फिक्स्ड, अनदर इज वेरिएबल, लाइक ए मैथमेटिकल इक्वेशन। इन अ मैथमेटिकल इक्वेशन देयर आर टू थिंग्स, वन इज फिक्स्ड। देखिए कुछ चीजें बिहेवियर, आपकी चीजें ऐसी हैं, बिहेवियर आपके कई चीजों से बनते हैं। एक जो सबसे बड़ा बिहेवियर आपका बनता है, वो बनता है बिलीव से, बनता है बिलीव से, आप जो सोचते हैं, मानते हैं, जो आप मानते हैं वही आप बिहेव करते हैं। और बिलीफ, अब बिलीफ कैसे बनता है, बिलीफ बताइए, आप बताइए बिलीफ कैसे बनते हैं। देखिए बिलीफ कैसे बनते हैं, फिर से मैं आपको एक और थोड़ा सा उसको और डीप में ले जाता हूं। अवर माइंड हैव टू प्रोसेस, वन इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड, अदर इज कॉल्ड subconscious, not unconscious, subconscious mind, okay? Mind have two things, conscious mind and subconscious mind. Conscious mind is logical, front, जो immediate आपका respond करता है, that is conscious mind. Subconscious mind is illogical, आप subconscious mind में जो भर देंगे वही निकलेगा, जो भी भर देंगे और वही आपके बिलीव पड़े होते हैं, ठीक है। लाइक आपने बचपन से एक चीज सुना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब आपको थोड़े दिनों बाद पता चला कि आप, मैं कर सकता हूं, लेकिन बिलीव आपका है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलता है, नहीं कर सकते। तो मोस्टली आपके जो बिलीव होते हैं दैट कम्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, और बिलीव ऐसा नहीं आप ही में होते हैं, every animal living being have this kind of beliefs. For example, अगर एक हाथी का बच्चा है, छोटा बच्चा है,
ठीक, ध्यान दे देखिए, हाथी का छोटा बच्चा है उसको एक रस्सी से बांध दो, रस्सी से बांध देते, छोटा है बिल्कुल, वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है, नहीं जा पाता है, उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है, ठीक, बंधा रहता है, तो वो अपने चारों एक सर्कल बना लेता है कि ये सर्कल मेरा है, इसके बाहर मुझे नहीं जाना, ऐसा होता है। हाथी उसी जगह पर बंधा हुआ है और हाथी हो गया बहुत बड़ा, अब उसमें उस रस्सी को तोड़ने की शक्ति है, बट बिकॉज ऑफ हिज बिलीव कि मैं इसको नहीं तोड़ सकता, वो नहीं तोड़ता। बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल, बिल्कुल लाइव, बिकॉज ऑफ द बिलीव, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये पड़ा है कि मैं नहीं कर सकता। ये बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है, आप मतलब जो आप किसी से, मतलब कोई एग्जाम्पल्स में भी दैट इज अवेलेबल। अगर हाथी के या कोई बहुत बड़े जानवर के बच्चे को आप जिस तरह से ग्रूमिंग करेंगे, कंडीशनिंग करेंगे, वैसे ही हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का बिहेवियर बदल देता है, वो बिलीव आपका बिहेवियर डिसाइड करता है, नंबर वन। ओके, दैट बिलीव चेंजेस योर बिहेवियर। सेकेंड इज ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, एक कुछ डिकोडेड बिहेवियर होते हैं, जब गॉड आपको पैदा करता है तब कुछ बिहेवियर आपके दिमाग में कोड कर देता है, कोडिंग। ओके, सम बिहेवियर कोडेड इन योर माइंड, लाइक आपके कुछ अपने इंडिविजुअल बिहेवियर है, कोई एनिमल है उसके कुछ अपने बिहेवियर है, शेर है तो उसका अपना है, दहाड़ता है, ठीक, वो अपने बिहेवियर है, सो दैट इज कॉल्ड कोडेड बिहेवियर। सम बिहेवियर आर वेरिएबल, मैंने बताया एक तो फिक्स होता है, एक वेरिएबल। एक फितूर कहते हैं ना, आदमी का फितूर नहीं बदलता, सुना आपने, आदमी कुछ भी बदल, फितूर नहीं बदलता, वो क्या है, व्हाट इज फितूर, चलो मतलब जो डिकोडेड चीजें वो नहीं बदल सकती, फैब्रिकेटेड। अब आपको अगर उसमें वो आपका जैसे वो फैब्रिकेट हो गया, उसके अंदर कोई प्रोग्राम, कोई चिप है, कंप्यूटर चिप है, उसमें फैब्रिकेट हो गया, वो चेंज नहीं कर सकते, चेंज क्या करेंगे, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है वो चेंज कर सकते हैं, आगे ना बात है, सो एवरीथिंग इज लिंक्ड, सो दैट इज बिहेवियर। सो बिलीव से बिहेवियर बनता है आपका, ठीक है, जब आप जैसे आपका बिलीव होते हैं, और दूसरा जो बिहेवियर आपका बनता है, जैसे वेरिएबल वेरिएबल टाइप ऑफ बिहेवियर जो होते हैं, वो होते हैं बिहेवियर आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड, आपके कंडीशनल से रिलेटेड, जैसे आप डॉट, आपके थॉट प्रोसेस, योर थॉट प्रोसेस मेक योर बिहेवियर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम एक फिक्स्ड चीजें सोच के चलते हैं किसी के बारे में कि नहीं यही होगा, प्रिजुडिसेस, इसका प्रिजुडिसेस, प्रिजुडिसेस इज एक पर्सन है, उस पर्सन के बारे में मैंने एक राय बना लिया कि ये ऐसा ही है, दैट इज कॉल्ड प्रिजुडिसेस। नेवर डू थिंग्स बेस्ड ऑन द प्रिजुडिसेस। आपने एक बच्चे के बारे में राय बना ली फर्स्ट ईयर से, ये बदमाश है, पता चला वो तो बदल गया, वो तो फोर्थ ईयर जाता है बदल गया, आपने सबने सोच लिया तो बदमाश इसको पीछे पड़ा हो, प्रिजुडिसेस, दैट इज ऑल्सो योर बिहेवियर। And behavior is impacting your skills, your teaching skills. एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को कोई कंसर्न नहीं है कि आपकी जाति लाइफ में क्या चल रहा है, आपके घर का अगर कोई मैटर है और आप यहां लेके आ रहे हैं और बच्चों को निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर, बैड बिहेवियर। कई लोग ऐसा करते हैं, इसीलिए मैंने कल आपको जो ट्रेनिंग दिया था, जो बात किया था हमने, लाइफ स्किल की बात की थी, लाइफ स्किल will make your personal life happy. जब आप life skill को follow करेंगे तो your personal life will be happy. आपकी personal life सही होगी तो आपकी professional life सही होगी. ये बिल्कुल interlinked है, बिल्कुल interlinked है. Kindly understand that. If you are living a good personal life, your professional life will also be good. So that's why I told you follow the life skills first. Work on the life skill first. Then you see how your teaching skills will automatically get changed, automatically get improved. So life skill में जो हमने बातें की थी, याद होगा आपको, उसमें behavior is an important aspect. Behavior means आपके personal life में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो student के ऊपर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए. You may be having lots of problems in house, in your home, or in your personal life.
हमारे बच्चे हैं, कभी कभी हमारे बच्चे बोलते हैं कि आज मेरा छोटा बच्चा कि मैडम ने आज पढ़ाया नहीं, मैडम आज थोड़ा उदास थी कहीं या कोई सैड थी या कोई मुश्किल थी, बिकॉज स्टूडेंट ऑब्जर्व यू, स्टूडेंट इज ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम ऑल एंगल्स. आज की जो जनरेशन है इज अ वेरी क्लेवर क्रूक्स, दे विल जज यू इन मिनट्स, फ्रैक्शन ऑफ मिनट. So if you are not showing your behavior, good behavior to them, they will immediately catch up and they will never be serious on you. So the first thing that you have to learn is observe your behavior towards the student. कभी हम लोग क्या करते हैं, student के level में गिर जाते हैं नीचे. कभी आपने देखा होगा, many examples I used to face as an administrator. What type of example is, faculty या teacher student से उलझ गया किसी बात में, झगड़ा हो गया या वो कर दिया, फिर faculty या teacher क्या बोल रहे हैं उसके पीछे बढ़ गए, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसके marks कम कर देंगे, इसके वो कर देंगे. That is wrong. आप अपना बड़ापन दिखाइए वहां पे कि मैं उसके लेवल पर नहीं गिरूंगा, या गिरूंगा मीन्स उसके लेवल पर नहीं जाऊंगा, स्टूडेंट के लेवल, मैं टीचर, मेरी एक अलग डिग्निटी है. सो दैट डिग्निटी यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू मेक विद योर बिहेवियर. ऑलराइट, फर्स्ट इज बिहेवियर, आई मीन गुड बैड एवरीथिंग दैट मैंने आपसे बात कर ली है. अनदर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आई आस्क यू टुडे टाइम डिफाइन अ टीचर, हाउ यू डिफाइन, what is the definition of a teacher? बताओ प्रवीण. See, मैंने आपको क्या बताया, you should have a thoughtful mind. हर चीज के बारे में आपकी राय होनी चाहिए, हर चीज के बारे में राय दो, बताओ गलत ही सही, बताओ बोलो. Nowadays the definition of teacher is very simple. The teacher will teach the academics and the content syllabus whatever, will deliver the knowledge, that's all. Whatever. Not expecting the moral values or any other things, whether the teacher will inspire the students are also. Now this is happening. No, no, yes. Will you deliver what? Okay, let him tell. Yes. Teacher, what is your definition? Teacher do all the things by which student make a very noble respect. That is the work of the teacher. Teacher will deliver what student needs. And he will share his own, whatever he has got with the students. Any other? Sir, anyone who can inspire us can be considered a teacher. Haan, well, can be of any kind. Now, let me see, I have to define the problem. See, with the time, everything get evolved. Even technology get evolved. Even your daily routine get evolved. Everything with the time, the things get evolved, get changed. सिमिलरली टाइम के साथ ही टीचर की डेफिनेशन भी बदल गई. आज की डेट में अगर आप एज ए टीचर सिर्फ पढ़ाई को फोकस कर रहे हैं तो आप टीचर नहीं. सबसे बड़ा जो काम टीचर का है वो है मोटिवेट करना. मोटिवेट करना, एक ऐसी थपकी देना जिससे कि उसको पुश हो जाए, आगे बढ़ जाए. आपने कई बार देखा होगा एक इंस्पिरेशन जो आप देते हैं, एक मोटिवेशन जो आप देते हैं किसी बच्चे को, उसका अलग ही एक असर पड़ता है. आप ये मत सोचिए कि टीचर सिर्फ आपसे सब्जेक्ट पढ़ने आ रहा है. सब्जेक्ट दे कैन स्टडी फ्रॉम एनीवेयर, नाउ मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, मेनी थिंग्स आर अवेलेबल, या मेनी टुडेज टाइम इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम ऑल द प्लेसेस दे कैन टेक द इंफॉर्मेशन. व्हाई द क्लासरूम इज इंपॉर्टेंट, क्लासरूम टीचिंग इज इंपॉर्टेंट, because they need to inspire, they want to motivate. Kai baar bachchon mein ek halka sa kuch de do, they have the habit, ability to do wonders. Aap dekhe to dekhe, iski ulat aaj ki date mein jo hamare paas information aati hai wo kya aati hai, nalayak hai, kuch nahi kar sakta, fail ho jayega. इस तरह के स्टेटमेंट हम लोग बच्चों को देते हैं.
ये झुलकते हैं या फिर उन पे फेद नहीं करते हैं या उन पे बिलीव नहीं करते हैं या उन पे हमें विश्वास नहीं है, ऐसा होता है? आप उलट करके देखिए, उनको एक पुश दीजिए, उनको इंस्पायर करिए, उनको एक वर्ड ऑफ इंस्पिरेशन दीजिए, यस तुम कर सकते हो, करो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया, इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, ठीक है? ओनली एक राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट डिसीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ये पुश अगर बच्चों आपको दे दिया, आपने इंस्पायर कर दिया, देन यू सी द डिफरेंसेस। आपने देखा होगा कभी, एक आपको एग्जांपल बताऊं, इवन एज पर द वन स्टडी आल्सो, ऑल्दो एग्जांपल ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की बात हो रही है आपकी, आपने देखा होगा मेडिकल साइंस में भी एक इस पे एक स्टडी हुई है बिहेवियर पे। डॉक्टर्स का आधा मरीज जो होता है ना, बिहेवियर से सही हो जाता है, होता है सर? अगर उलट अगर कोई डॉक्टर के पास गए आप, उसने बोला अरे यार तुम्हारी, तुमने बोला भाई हाँ दवाई ठीक तो हो जाऊंगा क्या, भगवान ने चाहा हो जाएगा भाई, अगर ऐसा बोले, और उलट बोले भाई इसका उल्टा दूसरे तरीके से बोले, अरे ये तो कोई बात ही नहीं है, तो स्मॉल कोई बड़ी बात ही नहीं, तो तुम तो वैसे ही ठीक हो, आधा वैसे ठीक हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, होता ऐसा नहीं होता। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कि कर सकता है, हो सकता है, ठीक है? तो आप कैसे चीजों को दिखा रहे हैं, कैसे आप चीजों को बता रहे हैं, कैसे इंस्पायर कर रहे हैं बच्चों को, मैटर्स अ लॉट। सो इन माय ओपिनियन, नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में जाएं, तो इंस्पिरेशन को लेके जाएं अपने साथ, इंस्पायर करें बच्चों को, हर बच्चे को इंस्पायर करें, हर बच्चे को पुश करें आगे, हर बच्चे में कैपेबिलिटी है। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू, मैंने कल भी शायद पूछा था, By choice your teacher. All wrong. How many of you by accident teacher? एक ही ऐसा है, नहीं ज्यादातर by accident है, बता नहीं रहे। अच्छा चलिए, now अगर by accident बन भी गए तो how many of you proud of this profession? I'm proud. We should be proud of this profession. Why? Why? Sir, हमें मौका मिलता है तो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना, उनको हेल्प गाइडलाइंस करना, उनको सही रास्ता दिखाना। तो अपने बेसिस पे हम मतलब 100 लोगों को भी सही रास्ता दिखाते हैं, उनका करियर बनता है, अपने करियर तो अकेले बनाते हैं। अब यहाँ तो 100 को लगातार बनाया जा रहा है, इसलिए बहुत प्राउड। एक्चुअली हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में देखते नहीं चीज़ों को। आपके सामने जो बच्चे बैठे होते हैं ना, आप सोचिए 10 साल बाद क्या है वो बच्चे, सोचते हैं आप कभी? सोचिए 10 साल बाद कौन है वो जो बैठे हुए हैं, 10 साल बाद कौन है वो? सम मे बी सिविल सर्वेंट, सम मे बी साइंटिस्ट, और सम मे बी इन सम गुड प्लेसेस। सो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ अवर सेल्फ कि हम इतने इतने प्रोफेशन को बना रहे हैं। तो पहले अपने आप से इंस्पायर हो जाइए। जब कोई भी टीचर मोटिवेट होगा तभी मोटिवेट करेगा भाई, इस वेरी ओके। मोटिवेट आप तभी रहेंगे जब इस प्रोफेशन से आप इस प्रोफेशन को आप लाइक करेंगे तभी। सो स्टार्ट लाइकिंग दिस प्रोफेशन, स्टार्ट लविंग दिस प्रोफेशन, ओके, एंड रिमेन मोटिवेटेड। कैसे मोटिवेशन आएगा? सेल्फ मोटिवेशन, ओके, सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन किसी चीज से आपको नहीं लेना होता है, यू शुड गेट मोटिवेशन फ्रॉम योर ओन। आप ऐसी स्टेज पे हैं, आप ऐसी उम्र पे हैं, ठीक है? स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू मोटिवेट। जब आप मोटिवेट होंगे अपने आप में, तब आपको मन करेगा यस अब मैं फाइंड आउट करूं इनोवेटिव वे कि भाई कैसे पढ़ाया जाए। Let us find out today. Let us, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बड़े ही enthusiastic रहते हैं अगले दिन लेक्चर लेने के लिए? नहीं, ये गलत बात है। यहाँ थोड़ा ईमानदारी दिखाओ। enthusiastic कि यस कल ये बात बताओ, कल ये चीज बताओ। हाँ,
हाँ नो प्रॉब्लम, कभी कभी सही, बट यस आई वांट टू टीच, मैं ये नई चीजें बताऊंगा भी. इंटर्न विल बूस्ट योर मोटिवेशन लेवल, आप मोटिवेटेड हो. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड जब आप क्लास में जाएं, ये मान के चलें कि ये एक ऐसा एक ग्रुप बैठा हुआ है जो आगे जाके बहुत स्ट्रेटेजिक जगहों पे जाने वाला है, बहुत स्ट्रेटेजिक. आपको पता होना चाहिए टीचर या कोई, अब मैं सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, टीचर एक ऐसी जात है, एक ऐसी बिरादरी है जो चाहे तो तबाह कर सकती है, चीजों कर सकती है तबाह या बना सकती है, दोनों चीजें हो सकता है, बना सकती है. आज की डेट में आपको